चटपटा खाना किसे नहीं पसंद, और जहाँ पे बात आती है कचौरी और समोसे की तो मुंह में तो पानी ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दाल की लहसुन प्याज वाली कचौरी। वैसे कचौरी बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ये रेसिपी बहुत ही आसान और ईजी है। चलिए झटपट से बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। जनरली मैदे की बनती है, लेकिन हम लेंगे यहाँ पर गेहूँ का आटा, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे घी, घी जो कि मोयन के लिए इस्तेमाल होगा। अब हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार, और इसके बाद में हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को मैंने हाथ से थोड़ा सा मसल लिया है। अब इसके अंदर घी को डाल के एक बार सिर्फ घी के साथ ही आटे को मिक्स कर लेंगे। देखिए घी को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम देखेंगे कि ये ऐसे बननी चाहिए। जैसे ही ये बन रही है इसका मतलब हमें एक बार मोयन काफ़ी हो जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंथ लेंगे। कचौरी की स्टफिंग के लिए हमें चाहिए मूंग दाल, जो कि मैंने भिगो के रख लिया था 1 से 2 घंटे के लिए, और मूंग दाल अच्छे से भीग चुकी है। उसके बाद में हम लेंगे हींग, ऑप्शनल है, थोड़ी सी डालने से टेस्ट अच्छा आएगा। सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया के दाने, काला नमक, प्याज और लहसुन। इसके बाद में ले लेंगे हम बेसन। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद में हम इसके अंदर जो बेसन हमने लिया है उसको अच्छे से सेक लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि बेसन जलना नहीं चाहिए, बेसन को अच्छे से सेकना है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें गैस की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, हमें एकदम मीडियम टू लो में ही हमें पूरा बेसन सेकना है। जैसे जैसे हम बेसन सेकेंगे, बेसन से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसन ऑलमोस्ट सिक चुका है, तो अब हम इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे धीरे धीरे करते हुए एक एक करके आइटम ऐड करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस प्रोसेस के लिए नमक जो हमने लिया था, फिर बाद में मिर्ची पाउडर हम ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद में हमने जो सौंफ ली थी वो भी ऐड कर देंगे, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि मेरी कढ़ाई ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से गर्म थी। अब हम इसके अंदर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो धनिया के दाने थे उसको हमें तोड़ के ऐड कर लेंगे। तो मैंने काला नमक भी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है हींग, मैंने बहुत थोड़ी सी हींग ऐड की है। अब मैं इसका गैस ऑन कर लूँगी और एक बार अच्छे से मिक्स करके सेक लूँगी। फिर से सेकने के बाद में जो मूंग दाल ली थी उसको मैं थोड़ा सा मूंग दाल, उसमें से आधी मूंग दाल इसमें ऐड कर लूँगी। स्टफिंग के मसाले की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, कितनी कचौरियाँ बना रहे हैं। मुझे कचौरियाँ ज़्यादा नहीं बनानी थी तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। अब जो हमने यहाँ पे प्याज और लहसुन लिया था, मैंने प्याज और लहसुन के साथ में एक हरी मिर्ची को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है वो भी हम इसके अंदर मिक्स करके एक बार अच्छे से सेक लेंगे। अब यहाँ पे कचौरी की स्टफिंग एकदम अच्छे से मिक्स होके रेडी हो चुकी है। अब हमने जो आटा बनाया था उसके छोटे छोटे पीसेस लेके हाथों से ही प्रेस करते हुए एक छोटी पूरी की साइज़ में बना लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें बीच में से ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ कॉर्नर्स को पतला करना है। अब इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था उसको डाल के इस तरीके से पूरे चारों ओर से बाइंड करते हुए एक साइज़ में लेके आ जाएंगे, और जो भी एक्सेस वाला पीस है वो हम निकाल देंगे। निकालते हुए हमें ये भी ध्यान देना है कि हम साइड से थोड़ा सा प्रेस करते रहेंगे, हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है वरना कचौरियाँ फूलेगी नहीं। तो हमें एकदम हल्के हाथों से ही प्रेशर अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम सारी कचौरियाँ बना के रख सकते हैं एक साथ, या फिर 2 से 3 कचौरियाँ बना के तल के फिर बाकी की 3 से 4 कचौरियाँ बना के फिर से तल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही 2 से 3 कचौरियाँ बना ली थी, जो भी एक्सेस आटा था वो निकाल के हल्के हाथों से प्रेशर अप्लाई करते हुए बनाना है। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कचौरी का जब हम प्रेशर अप्लाई करें तो कचौरी फटनी नहीं चाहिए, अगर कचौरी फट गई तो पूरे तेल में सारा मसाला बिखर जाएगा। अब हम कढ़ाई में तेल चढ़ा के उसके अंदर कचौरी ऐड कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान देना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो कचौरी के ऊपर छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। और अच्छे से फिनिशिंग चाहिए तो हमें थोड़ा सा कम आंच वाले तेल में ही करना पड़ेगा,
और हमें जो भी कचौरी सेकनी है वो मीडियम आंच में ही पूरी कचौरियाँ सेकनी है, हमें तेज आंच नहीं करना है। कचौरी बनाने के लिए हमें ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हम धीमी आंच में सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे और हमें कचौरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जब तक गोल्डन ब्राउन हो तब तक ही हम ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हमने जो बाकी की कचौरियाँ बनाई थी वो भी हम धीरे धीरे करके ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कचौरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और बहुत ही प्यारा कलर आया है कचौरी का। तो देखा कितने झटपट और आसान तरीके से हमने बहुत ही यमी और टेस्टी कचौरी बना के तैयार कर ली है। वैसे आप चाहें तो अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट मैंने बनाया था वो स्किप भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो चलिए अब हमारी बारी है कचौरी को तोड़ के अंदर से देखने की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कचौरी बहुत ही अच्छे से फूली हुई है और अंदर भी स्टफिंग अच्छे से सिक गया है। तो हमारी कचौरी बन के रेडी हो चुकी है और हम इसको खा सकते हैं। कचौरी खाने के लिए आप चाहें तो ग्रीन चटनी और इमली की चटनी दोनों बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमली की चटनी बनाई है जो कि कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है कचौरी और इमली की चटनी का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप चाहें तो सिर्फ आटे की कचौरी बना सकते हैं या फिर आटे के अंदर आप चाहें तो मैदा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आटे का इस्तेमाल किया है और कोई भी इसके अंदर मैदा ऐड नहीं किया है। कचौरी वैसे सिर्फ मैदे की भी बनती है, चॉइस आपकी है, लेकिन प्रोसेस जितना भी हमने बताया है प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लहसुन प्याज वाली मूंग दाल की कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है और इसका मसाला भी बहुत टेस्टी बना है। और इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।